कोयल की मोर की आवाज़ आ रही है। अभी बंद हुई है, काफ़ी देर से आने लग रही थी। एक बार तो यहीं दरी नीम में बैठे थे अपने सामने ही, मन में करा था ना बनाऊं वीडियो, फिर बोली नहीं, उस टाइम उठ के चली गई। फिर मैंने भी कुछ काम थे तो मैं कैमरा लेके खड़ी होंगी, मेरे काम रह जाएंगे। हाँ जी, राम राम, नमस्ते, कैसे हैं सभी? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं संतोष गहलोत स्वागत करती हूँ आपके अपने एस जी ब्लॉग्स टेरिस गार्डनिंग के एक और नए ब्लॉग्स में। तो ये मॉर्निंग की शुरुआत नहीं है तो क्या है भाई, एक कमेंट आता कई बार, वो कमेंट है ना ज़्यादातर लोगों के करता वो बंदा, अब मॉर्निंग की शुरुआत ये नहीं होती, अपना बेडरूम बाथरूम सब कुछ दिखाओ, वहाँ से अपना दिखाओ क्या कर रहे हो क्या, मन ऐसे व्यू की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कैसे सो रही हूँ वो दिखाऊंगी, मैं बाथरूम में क्या कर रही हूँ वो दिखाऊंगी, अब ब्रश करता हुआ दिखाओ, फलाना दिखाओ, वो कईयों के एक सिर फिरासा है ना, ऐसे कमेंट करता है वो। तो ये जो मॉर्निंग रूटीन है दिखाने के हैं वो दिखाते हैं, फालतू की बकवासबाजी ना होएगी मेरे से ना मैं करूँगी। और वो कुछ लोगों का होता है जो एक आध व्यू के चक्करों में होती हैं कि मैं कैसे सो रही हूँ, क्या है, किस तरह मैं क्या कर रही हूँ, वो मेरा नहीं है। और ना बाथरूमों में ब्रश करता हुआ दिखाया जाएगा, ब्रश का क्या दिखाना है, ब्रश करता हुआ ऐसी चीज़ तो करो ना। सुबह आती हूँ जैसे योगा करती हूँ, तो ये अच्छी चीज़ें हैं किसी पे कराया जाए तो, मॉर्निंग रूटीन में ही आते हैं, ज़रूरी है बाथरूम दिखाना और बेडरूम में कैसे सो रहे हो आप क्या हो, इतने पैसों की चक्कर नहीं है डॉलरों का ना, कुछ प्राइवेसी होती है फैमिली वालों की तो वो प्राइवेसी रहने दी जाए तो बढ़िया है। फैमिली वाले बहुत सारे दिखाते हैं यूं ही बेड पर सोते हुए, वो चीज़ें मैं नहीं कर सकती, मेरा अपना है सोच का नज़रिया अलग है और दिखाने वालों का अलग होता है, जो दिखाते हैं उनका अलग होता है और जो देखना चाहते हैं उनका अलग होता है। तो ये काम नहीं, मेरे रूटीन ये है तो मैं इसी हिसाब से दिखाऊंगी, आपने देखनी हो देखो, ना देखनी हो मत देखो। और मैं देखती भी हूँ, ये कईयों के कमेंट करता है, ये कई बार तो मेरे तो फिर भी तमीज से इसने करके आ रहा था, कईयों के तो बदतमीजी के कमेंट करके आता है। मैं तो उसको लिख भी आई थी, मैं तेरे को यही काम है क्या, जा के तू वीडियो पर यह काम करता है, करता है बहन, नहीं बहन मैं तो ऐसे ही कर रहा था, मॉर्निंग रूटीन दिखाते हुए एक दो चीज़ दिखाओ, मॉर्निंग रूटीन में सब कुछ दिखाते हैं क्या करना चाहिए, नहीं सब कुछ नहीं दिखाते, वो लोग दिखाते हैं जो बिल्कुल लोअर वाले हैं या बिल्कुल जिसको शर्म लाज कुछ वो नहीं है तो वो दिखाते हैं सब कुछ, हम नहीं दिखाएंगे। हमारे साथ वाले यूट्यूब पर है कोई कुछ नहीं दिखा रहा, जो हम पुराने भी जुड़े हुए हैं ऐसी कोई कुछ नहीं दिखा रहा, इतना दिखाए होते तो हम भी यहाँ से यहाँ पहुँचे होते, वो चीज़ें दिखाते थे। पहले भी मैं बहुत दिनों से देखी हुई है कईयों के, मेरे तो पहली बार ही आया है, कईयों के देखा है मैंने, और है भी ये मुस्लिम है लड़का ये, तो जवाब मिल गया होगा मैं अपनी योगा करूँ, योगा तुमने अच्छी नहीं लगेगी, क्यों तुम लोग करते नहीं, हम अपना योगा करते हैं, अपनी योगा से स्टार्टिंग करते हैं, कर लेती हूँ मैं अपनी, देखना चाहे तो अच्छी चीज़ है, अपनी फैमिली को दिखा, वो तुम लोग पसंद करते नहीं, और वो पढ़ भी इसलिए लिए मैंने क्यों मेरे साथ वो पुराने जुड़े हुए हैं लोग जिनके तू करता है, आवाज़ आ रही थी इतनी प्यारी, और मैं अपना योगा कर लेती हूँ, अपना ये रूटीन है अपने यही रखेंगे, तैयार ही है। चोटी में बैठी है निमकी में बिल्कुल ही, 10 मिनट पहले आई हूँ आज थोड़ी ही। करने के बाद ये ड्रम लगी थी मैं साफ करने, कराया हुआ तो था पर आज सरफ से करने लगी थी, इसमें ना बाजरी मंगवाई हुई है राजस्थान से, वो डालनी है, ख़राब नहीं होएगी, वैसे तो कट्टे में रखी हुई थी फिर वो ख़राब हो जाती, मैं इसको धो देती हूँ, पौधा में पानी दे दिया था, पाइप लगी हुई थी तो मैं सुबह सुबह ये भी काम हो जाएगा, शाम को फिर दिक्कत सी हो जाती है, अब तो लोअर टी शर्ट में थी, शाम को सूट में होती हूँ जब अच्छी तरह से, फिर ये काम नहीं होते, चले नीचे नीचे वाले संभालते हैं ताकि योगा भी हो गए और छत वाले भी हो गए जितना होना था, तो अब नीचे का करते हैं जाकर, धूप भी तेज निकली हुई है, इतना बढ़िया डिटॉक्स हो रहा है ना पानी में, आज पुदीने का सही कलर चेंज होया हुआ है,
खीरे का भी पुदीने का भी। अब थोड़ा मौसम सही होने लगा ना ठंड में, बल्कि कलर वही रहता है इसका, पर अब थोड़ी जैसे गर्मी हुई है पानी उसा हो जाता है तो उसमें चेंज हो जाता है और फ्लेवर और ज़्यादा आता है फिर इसमें। हो गया 8:30 होने वाले हो रहे हैं। हम लगी हुई थी जाड़ा पूछी में ना, खिड़कियाँ में रह गई थी, ललिता ना आई थी तो कल कर देना था, तो आज ही निपटाया। नवरात्रा से पहले कर दूंगी, हो ही गया कल, थोड़ा मोटा आगे कर रह गया बस। पर नवरात्रा का मन हो जाती है थोड़ी ही, वैसे तो होती नहीं वो जाड़ा पूछी, वो तो नॉर्मली डेली हो ही जाती है। फिर थोड़ा खिड़की खिड़की खोल कर ना, वो जाए ना तो वो मिट्टी ही निकल जाती है। अब जाती हूँ किचन में, क्यों ऑफिस टाइम से पहले मैंने किचन का निपटाना है। अब सब्जी सब्जी बनानी है तो उनमें लगती हूँ। बेटा एक बार चिमनी चलाई हुई है, चिमनी की पाइप में बाहर जैसे निकली हुई है ना, वहाँ चिड़िया ने घोंसला बना लिया। और रोज चलती है, जिसमें 2-3 दिन से अभी नहीं चली थी। चलने के बाद मैं चलेगी फिर ज्यादा नुकसान होएगा। अभी तो कल हमने देख ली थी, कल ही बनाने लगी थी, वह पत्ते डाल लेते उन्हें। मैं बच्चे देने के बाद, अंडे देने के बाद दे दिए ना, फिर दिक्कत सी हो जाएगी। तो उसको निकाल के एक घोंसला टांगा है और फिर उसके ऊपर को टेप लगाई है कि घुस नहीं सके, इतना रास्ता छोड़ दिया कि बस धुआं निकलता रहे अंदर से, चिड़िया नहीं घुस पाए। टेप लगा दी जाली के ऊपर, ये भी कहीं भी बना ले बेचारी। अब घोंसले में तो बनाती नहीं, पीछे भी नहीं बनाया, पीछे चोटी ही लगी रहती थी और वो आगे भी नहीं बनाएंगी, ये तो पता ही होता है। पर ये जगह ऐसी सेफ ढूंढती है ना अपने लिए, जहाँ कोई ना देख पाए ना कोई हो, इसके बच्चों को अंडों को छेड़ पाए, तो इसलिए उन्होंने चिमनी सेफ लगी थी, चिमनी वाली पाइप वहाँ घुसी थी। कल देख ली थी दिन में, इसलिए आज फिर वो कर ही दिया मैं। फिर बच्चे अंडे देवेंगी ये यहाँ बैठ के, तो फिर नहीं फिर पाप लगेगा फालतू का, तो आज ही कर देते हैं। सुबह सुबह एक बार आवाज़ बंद कर दे, मंगल चौपाई चला कर हमारे ना, सुबह मंगल चौपाई चला कर 1-1.5 घंटा ना काम करते हुए सुने जाओ और अपना काम करें जाओ, चलती रहो। मंदिर के सामने चला कर छोड़ दिया करो फोन में। तो राजमा बना दी है, चटनी बना दी है, पुदीना धनिया हरा प्याज हरे लहसुनिया अपने छत के हैं गार्डनिंग के, और अपना आटा वगैरह सारा काम हो गया। बस अब टिफिन पैक करना है, कूड़े वाला अब आने लग रहा है। पहले काफ़ी दिन हो गए थे राजमा खाए, मैं नवरात्रों से पहले एक बार खा लेती हूँ। बनाया तो संडे ना करूँ, पर संडे ने बेटे का और कुछ प्लान है बनाने का, तो फिर मैं सलाद बना के खा लेती हूँ, खा देती हूँ। फिर मंडे को फिर मैंने धोकर धाकर जाना हो जाएगा, तो उस दिन वैसे नहीं बन पाएगा, वक्त दिन जाना पड़ेगा हमारे उसे, तो धूप लगा कर हमारे छत की उसकी ना कुछ देखते हैं। अब तक तो है जाने का प्रोग्राम, लास्ट में क्या होता है क्या नहीं पता नहीं लगा करता ना, क्यों काम भी ज़्यादा हो जाएंगे। अगले दिन नवरात्रे हैं, फिर मंदिर की भी साफ सफाई और ज़्यादा काम है, तो पूजा पाजा का अपना सामान भी उसी दिन ले आ गूँ, नवरात्रों से पहले भी व्रत का रो, तो देखते हूँ कैसे रहे। तो अब दे आऊँ पूरा कूड़े वाला बोल पड़ा है गली में, एकदम निकल जाएगा ना। ब्रेकफास्ट का टाइम तो ओट्स बनाना, समुद्री ओट्स ले लिए थे और एक केला काट लिया था, फिर उसमें थोड़े है सीड्स डाल लिए थे, पम्पकिन सीड्स थे और कुछ जिस तरह सनफ्लावर सीड्स थे, और पीस कर रखा करूँ प्रोटीन ना बना के ना, और थोड़ा दूध डाल लिया था, फिर दो डाल लिए थे उसमें अंदर खजूर, पहले याद नहीं रहे थे डालने, और मैंने सोचा था केले का मीठा रहेगा, बेटा बोला फिर खजूर भी डाल लो, तो वो भी डाल दिए थे। टाइम हो गया 11:15, एक बार मार्केट जाके आती हूँ, मार्केट के काम निपटाए जाने हैं, जाना तो और कहीं था। कलर सोच रही थी लगवाने की, पर कलर वाला जरूरी नहीं आज मार्केट के हैं, क्यों कल संडे हो जाएगा, आज का वो करना बहुत ज़रूरी है, और निपटाए का जल्दी आना भी ज़रूरी है, क्यों माता का बुखार हो रहा है। आए हफ्ता लगी तो चढ़ाने वीकली चढ़ाने लगी, पिछले हफ्ते भी था, उससे पिछले हफ्ते भी था, एक वीक नहीं होने देती, जब भी बुखार जब भी बुखार। कई काम है जल्दी जल्दी निपटा कर ना उड़ाऊँगी, फिर दोपहर ना खाना खुना देना है, ना खाना देकर ना फिर दवाई लेगी। कई दिन से देख रही थी इन फूल वाले ने, और मेरे नीचे जो मन रखे थे सारे सूख गए, तो आज लेके आई हुई हैं, कई ले आई 7-8 हैं फूल वाले ना, एक एक लेवा तो महंगे देवे हैं, वही 20-20 रुपया में पड़ गए सारे, और 20 के तो देवे ही हैं। अब ये कह रहे पूरा गर्मी चलेंगे, बस सूखने मत देना, गिले रखना थोड़े है, अच्छे लग रहे हैं, पूरा कट्टा भरा हुआ है। मिनट होगी तो आप पहुंची हूँ, बस आते आते वो नर्सरी वाले वो दिखाई दिए, कई दिन से देख रही थी और जरूरत भी हो रही थी, फिर वो गमले सूखे पड़े रहो हैं फूलों के लिए, वो बनवाया भी तो फिर मैं वो अच्छा भी नहीं लगता, तो अब उनको पानी दे कर निकाल के कट्टे में सिर बाहर रखा ही, गमले के अंदर रखा ही, कट्टे में बंद थे ना, वो कट्टे में डले हुए थे, एक जगह इकट्ठे थे, वो दिखा भी रही थी मैं। अब माँ को रोटी दे दूँ, और रोटी दे दूँगी, दवाई दुई लेगी और मैं भी खा लेती हूँ। राजमा चावल हैं, चावल बना के गई थी मैं, मतलब मेरे को पता था आज कई काम थे तो देर लग जाएगी, तो इसलिए फिर मैं निमटाएगा चलूँ, बार बार नहीं जा जाता फिर।
टाइम हो गया, 6 बजने वाले हो रहे हैं। आज तो ऊपर लगे हुए हैं क्यों, कुछ सामान पड़ा हुआ था हमारा। फिर मैं भी सर्दियों में जिस तरह योगा कराया हुआ करती ना, वो भी सामान पड़ा था, चेयर चेयर गद्दे गद्दे सब कुछ ऊपर पड़ा हुआ था हमारा। खाली करवाने के बाद दया नहीं था ना, जिस तरह सितंबर में खाली करवाया था उसके बाद दे नहीं रहे थे। एक्सरसाइज करा करते यहाँ पर योगा करते थे, बेटा भी करता था और मैं भी करती थी। अब ये चढ़ा दिया है, कल संडे है, जिस तरह कल या परसों उनका सामान आएगा, नवरात्रि वाले दिन शिफ्ट होएंगे, हवन वगैरह करवा गए, तो मैं अपना सामान निकालने में कुछ धोने धाने में बिजी हो रही थी। काफ़ी टाइम हो गया आज मेरे को लगे हुए ऊपर ही लग रही थी। फिर मैं बोलो मैंने कुछ यूँ बनाया हुआ नहीं है, तो एक बार बाहर निकाल कर रखा हुआ है, उसको ऊपर शिफ्ट कर दो। निकाल तो दिया मैंने, सारा सीढ़ियों में रखा हुआ है, क्यों बार बार दरवाज़ा खोल कर अंदर नहीं आना पड़ेगा, वो फटाफट करती रहूँगी, तो अब उसको कर देती हूँ। और धोया था ये सारी झाड़ा पूछी, वो सुबह ललिता पर करवा दी थी, वो कर गई थी। बस अब मेरा कुछ नहीं, वो सामान ऊपर चढ़ाना है, बेटा भी लग रहा है और मैं भी चढ़ाने लग रही हूँ, तो वो करवा देते हैं। तो सारा काम निपटा दिया, लेट हो गया ना, सारा सामान सब पर चढ़ा दिया दोनों में, बेटा ना लग करना जितना भी था। अब जाऊँ शेयर करने, एक रह रही हो, एक दो चीज़ रह रही है, यो भी अब यो नीचे लेके जाना, स्टूल रखा है और एक दो चीज़ें बीच में ही रखे हैं। चलो लोग की एंडिंग कर देती हूँ, कल मिलते हैं फिर, तब तक राम राम।